आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइबर कैफ को ग्रो कैसे करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि साइबर कैफ खोल लेते हैं, लेकिन साइबर कैफ जो है से चल नहीं पाता है, कोई कारणवश जो है से उनका बिजनेस बंद हो जाता है, और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जिंदगी में मायूस हो जाते हैं कि मेरे दुकान पर कस्टमर नहीं आता है, मुझे ये काम नहीं करने आता है, अब क्या करें, बहुत सारा पैसा भी लगा दिए हैं और उसके बाद भी जो कस्टमर नहीं आता है, मेरे पास नॉलेज भी है फिर भी कस्टमर क्यों नहीं आता है, आप लोग के मन में ऐसा सवाल जो है चलते रहता है। दोस्तों आखिर लाइफ में हम क्या करें कि ना बिजनेस जो है से रॉकेट जैसा जो है से काम करेगा और हर समय जो है से हम बिजी रहे और मेरे दुकान पर इतना सारा कस्टमर आए कि मैं अपना जो है से गरीबी को दूर कर सकता हूँ, मैं हर सौ खरमान को खरीद सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस वीडियो में जो है से बहुत कुछ बताने वाले हैं और आपको ऐसा मोटिवेशन देने वाले हैं जिससे आपका दिमाग जो है से पूरा खुल जाएगा, उसके बाद देखिएगा आपका भी दुकान में कस्टमर जो है से धनाधन धनाधन आने लगेगा, आपको पूरा बिहार या भारत भर से आपको कोई कॉल आने लगेगा कि भाई मुझे ये काम करवाना है, ये काम तुम करते हो क्या, ऐसे ऐसे आपको जैसे लोग जो है से दिन में 500-600 कॉल जो है से आने लगेगा, उसके बाद आपका दुकान का इनकम भी देखिएगा बढ़ जाएगा। बता देता हूँ, कोई भी चीज को ऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है संसाधन। आखिर संसाधन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक साइबर कैफ खोल लिए हैं, राइट, मेरे पास प्रिंटर, सीपीयू, मोनिटर, कीबोर्ड, माउस, हर चीज है, फिर भी हम पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं, आप लोग के मन भी ऐसा सवाल चलता होगा। मेरे पास नॉलेज भी है फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आपके पास भी अभी कोई चीज़ का संसाधन का कमी है, नॉलेज का अभी भी कमी है, तभी आप जो है से दुनिया को लोग को जैसे अपना तरफ अट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना पड़ा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमको रहने के लिए घर का जरूरी पड़ता है, बिना घर के हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना घर के हम रहेंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आपको साइबर कैफ चलाने के लिए आपको जो है बहुत सारी चीज़ पर जो है ध्यान देना पड़ता है, हमेशा छोट मोट चीज़ पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ पे गलती करते हैं। बहुत सारे लोग यहीं पर जो है गलती करते हैं और इसी कारण जो है साइबर कैफ को जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं, यानी साइबर कैफ को जो है आगे नहीं ले जा सकते हैं और साइबर कैफ में कस्टमर जो है बहुत कम आता है। लीजिए कि आपके गाँव में दो साइबर कैफ वाला है और एक साइबर कैफ वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है और एक साइबर कैफ वाला के, जैसे मान लीजिए कि मेरा दुकान नहीं चल रहा है और किसी का दुकान जो है से बहुत चल रहा है, आखिर उसका दुकान क्यों चल रहा है ना, सबसे पहले हम इस पर जो है फोकस करेंगे, आखिर वो कौन कौन काम करता है जो हमें करने नहीं आता है, वो कर रहा है हम क्यों नहीं कर रहे ना। दोस्त यहीं पर जो है से हम लोग गलती करते हैं कि सामने वाला कर रहा है और हम जो है से कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको वही चीज पर ध्यान देना है, आखिर उसके पास ऐसा क्या है जो उसका कस्टमर बहुत आता है और मेरे पास कस्टमर नहीं आता है, हमको वही चीज़ पर जो है से देखना है। दूसरी बात यह है दोस्त, हमेशा याद रहे एक दूसरे के हमेशा टच में रहिए, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं भी कुछ भी जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, कहीं भोज खाने जाते हैं, कोई चीज़ का अगर बात चलते रहता है तो वहाँ पर खुद से बोलिए कि मेरे पास साइबर कैफ का दुकान है, हम इस चीज़ का काम करते हैं, मेरे पास भी अच्छा खासा नॉलेज है, अब बहुत ही कम पैसा में मैं आपको काम करके दे दूंगा। दोस्त कहीं ना कहीं अगर 100 में से अगर कोई आपका 50 भी अगर बात अगर मानता है समझता है, दोस्त कहीं ना कहीं 100 में से आपका 50 को भी बात अगर मानता है तो 10-15 आपसे जरूर नंबर लेंगे कि भैया अपना नंबर दे दीजिए, हम व्हाट्सएप पर जो है सेव कर लेंगे। उसके माध्यम से क्या करेगा, अपना स्टेटस लगाइएगा और कहीं ना कहीं वो लोग के पास आपका स्टेटस जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमको पैन कार्ड को करेक्शन करना है, पैन कार्ड सुधार हो रहा है, जाति आवासीय बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना है, ऑनलाइन का कोई भी फॉर्म आता है उसको डालना है, किसान पंजीयन करना है, खेत का रसीद काटना है, एलपीसी बनाना है, उसके बाद जो तरह तरह का जो फंड होते हैं उसके बारे में जो है से आप विस्तार रूप से लगाइए, उससे ये होगा दोस्त जो भी आपका नंबर जो सेव किए हुए रहेंगे वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपका बात चलेगा, यार रोज स्टेटस लगाता है, हर चीज का अपडेट देता है, आज क्या होने वाला है, दुकान कब खुल रहा है, कब ऑफ हो रहा है, आज कौन चीज का जरूरी है, जो जो चीज का जो मुख्य जरूरी होता है, जो प्रेजेंट में जो चलता रहेगा उस सब का जो है आपको स्टेटस लगाना है, उससे ये होगा कि लोगों के दिल में जो है आपका जो है जगह बनेगा, जैसे आप जगह बना लीजिएगा तो आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई उसके यहाँ वो काम होता है, ये काम होता है। दोस्त ऐसे करने से ये होता है कि बिजनेस में ग्रो आता है। उसके बाद क्या करिए, अगर आपके पास छोटा मोटा दुकान है, दुकान को थोड़ा जो सजावट में रखिए। दोस्त कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग को देखिएगा सिर्फ एक सिस्टम लेकर बैठ जाते हैं और उससे क्या होता है ना कि लोग उनको हल्का में ले लेते हैं, बहुत हल्का में, यार जब ये वो लैपटॉप से क्या करेगा। दोस्त हमको भी पता है, आपको भी पता है कि एक लैपटॉप से बहुत कुछ होता है, लेकिन पूरा दुनिया को पता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिखाना भी पड़ता है। दोस्त मैं बता देता हूँ कि मेरा दुकान में 5 लाख रुपया लगा हुआ, पूरा जो है वाटर प्रूफ है और सिर्फ रैक की वजह से आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा,
पूरा में शीशा लगा हुआ है, सीलिंग लगा हुआ है, और दोस्तों मैं अभी तीन तीन सिस्टम जो है से लाइन से शो में लगाए हुए हैं, और मेरे दुकान पर एक स्टाफ भी रहते हैं। दोस्तों ये होता है कि जब भी कोई मेरे दुकान में कस्टमर आते हैं ना, तो मेरा जो है चार चार कंप्यूटर देखते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इसके यहाँ कितना काम होता है यार, उसी में कन्फ्यूज। उसके बाद उसके अंदर पता क्या चलता है ना कि भाई उसके यहाँ बहुत काम होता है, तभी तो इतना सारा सामान रखा हुआ है ना। दोस्तों इससे ये होता है कि कस्टमर जो है घूम फिर कर बस उनके माइंड में एक ही बात चलेगा कि उसके पास बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा सब चीज रखा हुआ है, पक्का वो अच्छा काम करता होगा। नया आते हैं, मैं उनका सोच के बारे में बता रहा हूँ। करने से आपका बिजनेस जो है ग्रो होगा। उसके बाद दोस्त क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास जो है पहले CSC ID लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको हर एक एप्लीकेशन जो होता है सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आधार प्रिंट का हो गया, पैन कार्ड सुधार का हो गया, उसके बाद वोटर आईडी का पोर्टल हो गया, उसके बाद मैनुअली आधार कार्ड डाउनलोड करने का हो गया, तरह तरह का जो मार्केट में जो संसाधन होते हैं सब आपको जो है दुकान में रखना पड़ेगा, मतलब उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी को जन्मतिथि बनवाना है, किसी को पैन कार्ड सुधार करवाना है, किसी को वृद्धा पेंशन KYC करवाना है, किसी को फॉर्म भरना है, तो किसी को पन्नी पर डॉक्यूमेंट चढ़वाना है, तो किसी को जो है 100 या 500 पेज जीरोक्स करवाना है, किसी को जैसे बड़ा बड़ा फोटो निकलवाना है, तो किसी को जो है कुछ करवाना है। अगर सब चीज का संसाधन नहीं रखिएगा तो फिर आपका बिजनेस रनिंग में कैसे आएगा। मान लीजिए किसी मेरे दुकान पर जैसे कोई बंदा आया और बोलते हैं कि भैया हमको जैसे फुल साइज में फोटो चाहिए, लेकिन आपको आपके पास ना पेपर है ना आपको बनाने आता है, तो क्या करिएगा कि भाई हमसे काम नहीं होता है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई जैसे पैन कार्ड बनवाने के लिए आया, तो पैन कार्ड हमको बनाने नहीं आता, तो कस्टमर घूम कर जाएंगे ना, वही कस्टमर क्या कहेंगे यार उसके यहाँ कुछ नहीं होता है। तो हमेशा जो है कस्टमर को कभी घूमने नहीं देना जाना है। अगर कस्टमर घूम कर अगर जाते हैं तो कहीं कहीं कोई बिजनेस में जो है दिक्कत आ सकता है। जो हमेशा याद रहे कि जो कस्टमर एक बार आते हैं उनको प्यार से समझाइए, प्यार से काम करिए, और देखिए आपका प्यार ही आपको जैसे बहुत बड़ा रूप ले लेगा। उसके बाद क्या करना है, दुकान के आगे जो है पोस्टर बैनर जो है आगे जो है आपको लगा लेना है। इससे ये होगा कि जो भी आपको राही जाएंगे आएंगे वो आपको बड़ा सा बोर्ड देखेंगे। दोस्त बोर्ड जो है बहुत बड़ा बनवाना है, बोर्ड में ज्यादा पैसा नहीं आता है, आपको 2 से 3 हजार में बड़का जो बोर्ड लग जाएगा, बड़ा बोर्ड देखेंगे लोग वहीं पर भी रुक जाते हैं, आखिर इतना बड़ा बोर्ड कौन चीज का है, और कस्टमर वहां पर रुकेंगे। उसके बाद जो दोस्त मैं बताऊँ कुछ जो है हैंडबिल जो होता है जो आदमी पास में रखता है दुकान को प्रचार करने के लिए, कहीं भी जाइए तो किसी को जैसे प्रोवाइड कर दीजिए, जो आदमी नए होंगे उनको प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद मैं दोस्त एक और बता देता हूँ, अगर आप लोग के पास थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप लोग क्या करिए एक यूट्यूब चैनल जो है ओपन कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको जैसे उस पर वीडियो डालिए, आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में बताइए, उससे भी आपका कस्टमर जो है से ग्रो करेगा। उसके बाद दोस्त मैं और बता देता हूँ कि बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो नया दुकान खोले होंगे और उनको कोई चीज का काम करने नहीं आता है, तो आप लोग क्या करिएगा कि कस्टमर का सारा डाटा जो है ले लीजिएगा कोई भी काम के लिए, और कहीं और से भी काम करवा के आप दे सकते हैं दोस्त। इससे आपको ये होगा कि कस्टमर को पता चल जाएगा कि आपके यहाँ काम होता है भाई, होता है। दोस्त मैं बता देता हूँ, दोस्त मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि साइबर कैफ ग्रो करने के लिए दोस्त रात दिन करना पड़ेगा, तभी आप जाकर लाइफ में जो है कुछ कर सकते हैं। बाकी जैसे दुनिया में बहुत सारे साइबर कैफ खुलता है बंद होता है, और फिर बाद में नहीं कहिएगा कि मेरा भी दुकान क्यों बंद हुआ। दोस्त आपको खुद से रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। दोस्त मैं बता देता हूँ, दोस्त मैं यहाँ तक आने के लिए मैं दोस्त रात के रात दिन के दिन नहीं बुझा हूँ, सारा जिंदगी जो है मैं दोस्त साइबर कैफ के ऊपर जो है बिता दिया हूँ। आप मेरा हालत भी देख सकते हैं कि मैं बोलते बोलते काम करते करते जो है दोस्त दिन में खाना तक नहीं खा पाते हैं दोस्त। और दोस्त मेरा एक ही मोटो है कि जिस प्रॉब्लम से जो है हम झले हैं वो आप लोगों को कभी झेलने नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता है मजबूरी क्या होता है। जब कोई लड़का अगर 24-25 साल के एज में रहता है और वह कोई बिजनेस कर लेता है, बिजनेस अगर नहीं चलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है भाई, बहुत दर्द, और वही दर्द से दोस्त जो है हम गुजर चुके हैं। इसलिए हम शपथ ग्रहण किए हुए हैं, मैं जितने भी मेरे भाई है मैं सबको जैसे ऐसा मोटिवेट करूंगा, मैं ऐसा सजेशन दूंगा कि कोई भी भाई जो है कभी ये नहीं कहेगा कि काम हमसे नहीं होता है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आने वाला समय में पूरा का पूरा राज जो है मैं खोल कर रख दूंगा कि लाइफ में कैसे सक्सेस करना है, एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी कैसे बन सकता है मेहनत करके। मैं सब कुछ जो है इस पर लाइव करने वाला हूँ। दोस्तों एक समय था कि मेरा भी दुकान नहीं चलता था, लेकिन आज एक समय ऐसा है कि इतना काम करते हैं कि खाने का समय तक नहीं मिलता है, एक आप लोग को वीडियो बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, तो 10 बजे रात में 9 बजे रात में शूट करके रात में मिक्सिंग करके आप लोग को सुबह में प्रोवाइड करते हैं। बता दो बिजनेस को रनिंग में लाने के लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, हर जगह जो है आपको प्रचार दिखाना पड़ेगा कि हम काम करते हैं, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जो काम आपको नहीं समझ में आता है उसके लिए आपको जैसे भाग दौड़ करना पड़ेगा, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा दोस्त,
उसके बाद देखिएगा कि आपका भी साइबर कैफे जो है सिर्फ बहुत ज़्यादा चलेगा भाई, इतना ज़्यादा चलेगा कि मैं कभी बता ही नहीं सकता हूँ। दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मेरा वीडियो समझ में अगर आया होगा या मेरा थोड़ा सा बात अगर समझ में आया होगा, एक भाई को जरूर जो है से लाइक कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, वीडियो सही बोला हूँ या गलत बोला हूँ आप लोग बताइएगा। क्योंकि आने वाला समय में जो है से मैं दोस्त हर चीज़ खोल के रख दूंगा, उसके बाद कोई भाई जिंदगी में नहीं रोएगा कि मेरा दुकान नहीं चलता है। सबका दुकान इतना अच्छा चलेगा ना कि भाई हमको जिंदगी भर याद रखेगा, कोई तो बंदा था जो आप लोग के लिए जो है अपना गला तक फाड़ देते हैं। क्योंकि हमको पता है दोस्त मजबूरी क्या चीज़ होता है, जिस मजबूरी से हम निकले हैं दोबारा फिर उसको किसी को आने देने का हिम्मत नहीं काम करता है। बस आप लोग जैसे मन से काम करिए, जो भी काम नहीं समझ में आता है यूट्यूब पर देख कर सीखिए, किसी से सपोर्ट ले लीजिए, नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट करिए, जहाँ तक कोशिश होगा दोस्त मैं सबको जैसे सपोर्ट करूँगा, एक ऐसा हेल्प ऐसा सपोर्ट करूँगा कि आने वाला समय में जो है मिसाल बन जाएगा कि बैटिंग मिसाल अनलॉक, हर कोई को सपोर्ट मदद करता है करता रहेगा। क्योंकि दोस्त मेरे अंदर जलन नाम का कोई चीज़ नहीं है, बस मेरे अंदर प्यार है, जिस प्रॉब्लम से हम झेले हैं वो किसी को झेलने नहीं देंगे, मैं हर वीडियो में यह चीज़ बोलता हूँ दोस्त। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और कुछ ही दिन के बाद आप लोग को जो है से हर रोज जो है से ऑनलाइन का वीडियो मिलेगा, जो भी काम हम करते हैं सब चीज़ का आपको जो है से कंप्यूटर के द्वारा आपको जो है से लाइव मिलेगा, कौन काम कैसे करना है। अभी दोस्त मैं आप लोग को जो है से जोड़ रहा हूँ, इसलिए सिर्फ जो साइबर कैफ के बारे में बता रहा हूँ, कुछ दिन के बाद जो है पूरा चीज़ को लाइव करने वाला हूँ। जितना भी हम काम करेंगे आप सीधा जब भी कमेंट करिएगा सीधा आपसे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे।